हुजूर सबसे पहले आप अपना तारो फरमाएं। आकिफ अली फ्रॉम लाहौर पाकिस्तान। यहाँ पर करबला में कितनी दफ़ा आप तशरीफ़ लाए? मौला के करम से मैं 2015 से आ रहा हूँ कंटिन्यूसली मौला का करम से। माशाल्लाह। अच्छा, काफ़ी दफ़ा माशाल्लाह तशरीफ़ ला चुके हैं, इन सारे सफ़रों में से कौन सा सफ़र आपका सबसे यादगार सफ़र रहा, मोमिनीन के साथ शेयर करना चाहेंगे? देखें, करबला का सफ़र हमेशा यादगार रहता है और ये इसमें आपकी नीयत नहीं मौला का करम शामिल है। आप पैसे किस पैसे हो या आपके पास दौलत हो शोहरत हो, आप यहाँ नहीं आ सकते जब तक मौला आपको इज़्ज़त नहीं अता करें। तो हर दफ़ा जब मौला ने इज़्ज़त अता किया तो वो हर दफ़ा वो पहले से बेहतर है। अच्छा, पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो ज़ाहिर है कि हालात भी फाइनेंशियली थोड़े से सख्त है, आप क्या समझते हैं, पैसों से यहाँ आना होता है या ये बुलावा होता है? जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये इकोनॉमिकल वार है, पैसा डाउन जा रहा है। पाकिस्तान में वैसे ही हमारे पास जो डॉलर अप हो गया और पाकिस्तान की करेंसी डाउन हो गई है, लेकिन करेंसी मैटर नहीं करती, ये आपकी मोहब्बत है जो मौला से आपका तल्लुक है, मौला उस तल्लुक के बिना पर अपना करम फरमा रहे हैं आप पर। हमें आखिर में उन मोमिनीन के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे जो आना चाहते थे लेकिन किसी मुश्किल के तहत नहीं आ सके करबला के उनवान से? इंशाल्लाह मौला पर यकीन रखें, मौला ज़रूर करम फरमाएंगे, इस दफ़ा नहीं आ सके तो मौला जल्द बुलाएंगे। बस मौला से आरजू रखें, ये आरजू ख़त्म नहीं होनी चाहिए, तड़प रहनी चाहिए। बेशक सलामत रहें और आ जाएं। अभी जी जी सबसे पहले आप अपना तारो फरमाएं। जी, मेरा नाम अली मेहदी है और मैं लाहौर पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। माशाल्लाह। अच्छा, वहाँ भी आपने आज़ादारी का सिलसिला देखा है और यहाँ पर भी, तो इन दोनों आज़ादारियों में क्या फ़र्क है और क्या सिलसिला है, इसके बारे में कुछ फरमाएंगे आप? आज़ादारी सैयदुल शोहदा है जी, कोई फ़र्क नहीं है। पाकिस्तान में भी अपने मोहब्बत से तमाम पाकिस्तान के अंदर जितने भी रहने वाले मुहिबान हैं, अहले बैत हैं, तमाम अपने अपने तरीक़ों से इमाम हुसैन की जो याद है, जो कुर्बानी है, जो उन्होंने दीन इस्लाम के लिए दी है, वो तमाम कुर्बानियों को याद रखने के तमाम अपने अपने अंदाज में आज़ादारी सैयदुल शोहदा कर रहे हैं। और करबला में भी तमाम, देखें दुनिया भर से ममालिक से लोग आए हुए हैं, हर रंग नस्ल कोई फ़र्क नहीं है, तमाम यहाँ पे आज़ादारी सैयदुल शोहदा के लिए आए हुए हैं और मुसलसल आज़ादारी कर रहे हैं। बेहतरीन अंदाज है ये, इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद रखने का लाजवाल तरीका है ये। माशाल्लाह, चूँकि इस वक्त आप करबलाए मौला में है तो यहाँ आपने मवाक़े में भी गए होंगे, नियाज भी खाया होगा, कैसे लगे यहाँ के लोगों के अखलाक? बेहतरीन से बेहतरीन है, उनका खुशामदीद कहने का जो तरीक़ाकार है वो बेहतरीन तरीक़ों से करते हैं, बिल्कुल कमी महसूस नहीं होने देते, अपनाइत का एहसास है। मैं तो ये कहूँगा कि बिल्कुल वो हमारे पैरों को अपने हाथों पर रखते हैं, बहुत ही लाजवाल और बेहतरीन इन लोगों का जो तरीक़ाकार है यहाँ पे मोमिनीन की खिदमत करने का, इमाम हुसैन के पैगाम का प्रचार जो सब बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आखिर में कोई पैगाम देना चाहेंगे करबला के उनवान से? करबला के उनवान से पैगाम मेरा सबसे बेहतरीन यही है कि ज़ियारत अशूरा की तलावत करें रोज़, तो करबला हर इंसान को मिलती है, ना कोई कीमत इसकी है, ना कोई पैसा है, रुपया पैसा वाले लोग नहीं आ सकते, बिल्कुल जो पॉकेट अपनी जो है ना, बिल्कुल जस्ट एक पैसों की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं पड़ती आपको, इमाम हुसैन की अमानत होता है वो पैसा, वो आप लगा लेते हैं, आप आ जाते हैं, और वो बेशक वो पैसा ऐसा है कि अगर आप वो नहीं खर्चेंगे तो वो नहीं आएगा, ये हमारा ईमान है। और मौला हुसैन के दर पर आने के लिए आपको किसी किस्म की जो है ना वो माल की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बस इज़्ज़त ज़ियारत चाहिए, खलूस नीयत चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। बेशक, अल्लाह आपको सलामत रखे। है तेरी बहना के मर जाने का अब्बास, तेरी ज़ैनब बे पर्दा है, सबसे पहले हुजूर आप अपना तारो फरमाएं। जी, मेरा नाम सैयद सहाब अहमद है, मैं लाहौर से हूँ। माशाल्लाह, यहाँ करबला में जन्नत में हैं आप, कैसे लग रहा है? जन्नत का एहसास है, जो आप सोचते हैं, जो आपकी तमन्ना होती है वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं फौरन, और यहाँ पे आपको कोई दुनिया की फिक्र नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, और आप किसी और ही ज़िंदगी में आए हुए हैं, ये वाली फीलिंग है। अच्छा, लोग यहाँ पर अरबईन के लिए भी बहुत सारे लोग आते हैं, कैसे प्रोग्राम बना आप आशूरा के लिए आए? अरबईन और अशूरा में डिफरेंस ये है कि अरबईन पे वॉक है और अशूरा पे पुरसे मिल जाते हैं आपको, तो हम लोग पुरसों की आदत है, हम लोग सिर्फ पुरसे के लिए आते हैं, तो हम हर साल अशूर पे आते हैं।
अच्छा माशाल्लाह आप जो है वो आशूरा पर चूंकि आज़ादारी और पुरसे को पसंद कर। अच्छा यहाँ के लोगों के साथ भी आपकी मुलाकात हुई कि ज़ाहिर है अरब लोग हैं और यहाँ के लोगों के अखलाक कैसे लगे आप? बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं और मैं बयान नहीं कर सकता कि मतलब कोई इधर डिफरेंस नहीं लगता कि आप किसी और कंट्री में हो या कि किसी और लोगों के साथ हो, सब हुसैनी और सब एक जैसे हैं। आपने ये बात की कि मैं आया हूँ तो यहाँ अपनाइत होती है, आपको वाकई ऐसा लग रहा है कि आप वतन से दूर हैं? नहीं, मुझे ऐसा है, मुझे लग रहा है मेरा असल वतन यही है, पाकिस्तान से ज़्यादा मुझे यहाँ पर रिलीफ मिल रहा है। मोमिनीन के लिए क्यों पैगाम देना चाहेंगे? मोमिनीन के लिए यही पैगाम है कि वो कोशिश करें और ये वाली बात ना रखें कि मौला बुलावा करेंगे, अपनी भी कोशिश करें, मौला का बुलावा आ गया है, आपने बस अपनी कोशिश करनी है और आप पहुँच जाएंगे। माशाल्लाह आपको सलामत रखें, शुक्र गुज़ार। सबसे पहले सर आप अपना तारो फरमाएं। सैयद अली अहमद जाफरी, पाकिस्तान, बिलोंग पाकिस्तान। माशाल्लाह कितनी दफ़ा आप माशाल्लाह करबला तशरीफ़ लाए हैं? ये हमारी थर्ड टाइम है, तीसरी दफ़ा हम लोग आए हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह इंसान यहाँ पर रुक नहीं सकता, आप एक दफ़ा आते हैं ये एक जन्नत का टुकड़ा है, यहाँ पर आपने फिर मोर लग जाती है और बार बार आना है, हर बार आना है और फिर इंसान नहीं रुक सकता, ना आपका दिल रुक सकता है, क्योंकि इवन हम लोगों का अकीदा ये है कि हम रूह अपनी यहाँ पर छोड़ जाते हैं और उससे हम ताज़ा करने के लिए हर दफ़ा रिचार्ज अपने आप को करने के लिए यहाँ पर आते हैं और ये एक जन्नत का टुकड़ा है। बेशक तीन दफ़ा चूँकि माशाल्लाह आप तशरीफ़ लाए हैं तो कौन सा सफ़र आपका सबसे यादगार सफ़र रहा? मेरा जी हर सफ़र का एक अपना, मैं उस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, एक हर सफ़र में एक अपना, पहले मैं याम फातमिया पे आया हूँ, फिर मौला अली के याम पे आया हूँ और थर्ड टाइम ये योम शूरा पे आया हूँ, तो इससे बड़ी और कोई सादत नहीं है कि मेरा मौला मुझे बार बार बुला रहा है, बार बार बुला रहा है, इससे बड़ी और सादत नहीं है। इस वक्त आप जन्नत में हैं करबला में, कैसे महसूस कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ जो जन्नत के बारे में सुना था और जो जन्नत का सोचा था, लाइक सेम जन्नत है। आखिर में कोई पैगाम देना चाहेंगे मोमिनीन के लिए? जी जितने मोमिनात हैं मौला पाक उन्हें सादत दे ताकि वो सबसे पहले यहाँ पर आएँ, पहुँचें और ज़ियारात को करें। अल्लाह आपको सलामत रखें।